सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए डर लग रहा है भाई? किस किस को डर लग रहा है? ठीक है भाई, देखो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उससे एक स्टेप अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो सिलेबस है, मैंने पूरी रात बैठ के रिसर्च किया, एक्चुअली क्या सिलेबस है, कहां से क्या क्या है। तुम्हारा सिलेबस तीन किताबों में से है। ठीक है, पूरा जो टॉपिक वाइज मैंने किया है, उन तीन किताबों के लगभग 200 पन्ने हैं। उन 200 पन्नों को मैंने क्या किया है, छोटे से एक 6 या 7 पेज हैं कुछ, उनमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बस ये 7 पेज पढ़ लेना, काम हो जाएगा कल के एग्जाम का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट करना है इसको, सिलेबस को, तो 1 या 1.5 घंटे की ये वीडियो बनेगी। मुझे नहीं पता कितने टाइम की बनेगी अभी। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे की जब ये वीडियो बनेगी, 1 घंटा ही होगा मैक्सिमम, तो इसको 1 घंटे आराम से बैठ के अगर नोट्स बनाने हो अपनी लैंग्वेज में तो बना लेना। ठीक है, फायदा रहेगा। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, बिकॉज कुछ चीजें मिस कर दोगे फिर। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट जो मटेरियल उन्हें नहीं मिल रहा है वो वीडियो से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और जो इसके जो नोट्स है, अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पेज को ज्वाइन कर लो, मेरा ही पेज है एक्चुअली। ठीक है, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, मैं अभी डाल दूंगा। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड घबराना मत बिल्कुल भी, बहुत आसान है, हो जाएगा आराम से। ओके, एक्चुअली पहली जो है यूनिट है दैट इज आपकी फ्री प्ले, इससे। ठीक है, जो पूरा की पूरा यूनिट है ये फ्री प्ले वाली यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्री प्ले की डेफिनेशन आप बोल सकते हो, व्हेन चिल्ड्रन हैव फुल फ्रीडम टू प्ले इन व्हाटएवर वे दे वांट। जब बच्चों के पास फुल फ्रीडम होती है, ठीक है, पूरी की पूरी फ्रीडम होती है कि किसी भी तरीके से, कैसे भी, अपनी मर्जी से वो जो गेम खेलना चाहे वो खेल सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्री प्ले। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों के ऊपर, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे खेलना है वैसे खेलना है। ठीक है, तो बच्चे फ्री है एकदम अपनी तरफ से, अपने तरीके से खेलने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री प्ले। ठीक है भाई, नाउ अब इस फ्री प्ले का एम क्या होता है, ये क्यों खेला जाता है बेसिकली? द एम इज टू हैव फन एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये फ्री प्ले होता है बेसिकली ताकि फन हो सके, मजा आ सके। ठीक है, ताकि बच्चों लेट्स से अगर बोर हो रहा है तो एंजॉयमेंट हो सके, इन सब चीजों के लिए प्ले मतलब खेला जाता है। ओके, नाउ और दूसरी चीज क्या हो सकती है, कॉम्पिटिशन। ठीक है, और बच्चों में एक दूसरे में कॉम्पिटिशन हो खेलों के अंदर, ठीक है, खेल कूद करने में क्या कॉम्पिटिशन हो। ठीक है, इसलिए ये प्ले जो है किया जाता है, मतलब खेल खेले जाता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ने से पहले हमें तीन चीज के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज स्पोर्ट, सेकंड वन इज गेम, एंड थर्ड वन इज प्ले। ठीक है, पहले मुझे भी नहीं पता था। ओके, तो ये तीन चीजें लगती हमें सेम है लेकिन तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, वो क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला देखो, सबसे पहले है स्पोर्ट। सबसे पहले क्या है, स्पोर्ट। अब स्पोर्ट में क्या है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी अंडर एग्रीड सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है भाई, और वो रूल्स सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के क्या है, कुछ रूल्स होते हैं और ये सारे के सारे रूल्स यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप फुटबॉल यहां पे खेलो तो वही रूल होंगे। ठीक है, आप फुटबॉल कहीं दूसरी कंट्री में जाके खेलो, रूल्स वही होंगे। सेम ऐसे क्रिकेट है। ठीक है, तो अगर आप क्रिकेट इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया में सेम वही रूल है। ठीक है, क्रिकेट के लिए जितने भी रूल होते हैं, क्योंकि बाउंड्री से अगर बॉल ऊपर जाएगी तो सिक्सर है, ठीक है, और नीचे एक टिप खा के गई तो फोर है। तो ऐसे ही अगर यही रूल आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलो तो बदल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल जो है सेम होते हैं, सेम है स्पोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज फॉर कॉम्पिटिशन और सेल्फ एंजॉयमेंट। अब ये दो चीजों के लिए खेला जाता है स्पोर्ट, क्या, या तो वो कॉम्पिटिशन हो, ठीक, और या फिर सेल्फ एंजॉयमेंट हो। मतलब अगर मान लो लेट्स से कॉम्पिटिशन नहीं भी हो रहा है तो खुद की, मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए या खुद को एंजॉय करने के लिए, खुद को एकदम बूस्टर करने के लिए ये खेला जाता है। ठीक है, सेल्फ एंजॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट रूल्स सेट बाय ऑफिशियल बॉडीज। अब जो इसके जो रूल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्ट होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स कौन सेट करता है, रूल सेट करता है कौन, ऑफिशियल, जो हायर अथॉरिटीज होती है, ऑफिशियल होती है किसी पर्टिकुलर गेम की। ठीक है, लेट्स से बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल के रूल कौन सेट करेगा, जो बास्केटबॉल की हायर अथॉरिटी है वो।
ठीक है, ये नहीं है कि बास्केटबॉल के रूल क्रिकेट वाली अथॉरिटी सेट कर रही है, क्रिकेट के रूल फुटबॉल वाली, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस गेम से रिलेटेड वही उनके रूल्स को सेट करती है। ओके, नाउ हैव विनर और लूजर। अब इसमें स्पोर्ट में फाइनली क्या होता है, स्पोर्ट खेला इसलिए जाता है ताकि उसमें कोई भी एक विनर हो, कोई भी एक लूजर हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक विनर और एक लूजर होगा इसके एंड में, या तो वो कोई टीम भी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर बंदा भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गेम। अब स्पोर्ट तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं गेम क्या होता है। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वाह, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब होता है सेम भाई, खुद के सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एकदम फ्रेश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। रिक्रिएशनल इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट। अब इस गेम के अंदर एक पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं। ओके, नाउ सम हैव सम पर्टिकुलर गोल। अब ये जो गेम खेला जाता है इसका एक उद्देश्य होता है, इसका एक एम होता है। मतलब लेट्स से अगर कोई दो बंदे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, दो बंदे आपस में सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए ही कोई गेम खेल रहे हैं, तो इसका एक मोटिव होता है कि हाँ ये पर्पज है। ठीक है, ये पर्पज है, इस वजह से हम इस गेम को खेल रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्राइमरी पर्पज एंटरटेनमेंट। अब शुरुआत में इसका जो पर्पज होता है वो एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, अभी कॉम्पिटिशन में भी तब्दील हो सकता है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज हैव विनर और लूजर। इसमें भी जरूरी है कि एक विनर होगा एक लूजर होगा गेम के अंदर भी। ठीक है, तो स्पोर्ट के अंदर भी विनर और लूजर होता है और गेम के अंदर भी विनर और लूजर होता है। अब बात करते हैं प्ले। प्ले का सिंपली मतलब है खेलना। ठीक है, कैसे खेलना, क्या खेलना, वो डिपेंड करता है। ठीक, यहां पे देखो फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ये भी एक खुद को सेल्फ एंजॉयमेंट वाला कंडीशन है, खुद को खेलने के लिए, मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को बूस्ट अप करने के लिए, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए ये भी एक खेल खेला जाता है। नाउ प्ले वन और मोर पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे भी एक या एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, अकेला बंदा भी खेल सकता है। ठीक है, कुछ भी खेल रहा हो तो अकेला बंदा भी खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू हैव विनर और लूजर। ये जरूरी नहीं है कि ये विनर और लूजर हो। अब प्ले के अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि विनर और लूजर हो। लेट्स से गलियों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है उनमें से कोई जीतेगा या हारेगा, बस वो बस खेल ही रहे होते हैं। ओके, नाउ इसका जो आउटकम होता है, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो फन होता है। मतलब ये किस लिए खेला जाता है, बिकॉज ऑफ फन। ठीक है, टू गेट दी फन। ठीक है, आराम से मजे लेने के लिए बस इसको खेला जाता है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस है। इन दोनों में विनर लूजर होता है, इसमें विनर लूजर का कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता, इसका एक पर्टिकुलर गोल होता है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एम है। सेम ऐसे ही स्पोर्ट का भी एक पर्टिकुलर गेम वो है, एम है भाई। ठीक है, कि भाई किस पर्पज के लिए खेला जा रहा है, टू हैव विनर और लूजर। ओके, इसके रूल्स होते हैं जो ऑफिशियल्स है वो सेट करते हैं। ठीक है, इसके कोई रूल नहीं होते। ठीक है, इसके भी रूल्स होते हैं, लेकिन इसके रूल क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट खुद डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि जो बच्चों ने गेम अपनी मर्जी से बनाए हैं और खुद ही उसके रूल रख लिए हैं, ठीक है, वो इसके रूल्स को हम बता सकते हैं कि भाई इसके रूल है लेकिन बच्चों ने बनाए हैं। ठीक है, ओके, तो आप पिक्चर देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पिक्चर देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। तो शुरू में एक पिक्चर है, उसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में एक फुटबॉल है और एक रेड कलर का कपड़े पहने हुए रेफरी ने। ठीक है, तो दिस इज अ स्पोर्ट। प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल्स, ये रेफरी इसको बता रहा है कि जो यूनिवर्सल रूल है उनके हिसाब से खेलो। ठीक है, फिर देखो दूसरा ऑप्शन है गेम। प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल सेट बाय पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो गेम ऐसा होता है, जैसे इसमें क्या है, दो बच्चे रस्सियां कूद रहे हैं। ठीक है, रस्सी कूद रहे हैं, तो इसमें क्या है, अपनी मर्जी से ये रूल बना लेंगे और उसके हिसाब से खेलेंगे। उसके बाद प्ले, प्ले मतलब जो लास्ट में एक आपको दिख रहा होगा एक कार्टून, मतलब जो लड़की है वो क्या है, वॉलीबॉल टाइप का कुछ खेल रही है, और ये क्या होगा, इसमें कोई रूल नहीं होते, अपनी मर्जी से जो खेलना चाहो, दैट इज फ्री प्ले। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री प्ले। ठीक है, फ्री प्ले के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स फ्री प्ले के दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर। ठीक है,
अब प्ले का मतलब क्या था, जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, जिसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, ठीक है, वो क्या था, प्ले। अब वही स्ट्रक्चर होता है और वही अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हेन प्ले इज प्लान्ड, जब हम कोई गेम खेल रहे हैं हम प्लान करते हैं, लेट से आज मैं पढ़ रहा हूं, मैंने प्लान किया कि कल मैं ये वाला गेम खेलने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, प्लान कर लिया कल के लिए, तो वो क्या बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कि मैंने क्या कर लिया एक दिन पहले, या मैंने बोला कि लेट से अभी पढ़ाई कर लेते हैं, दो घंटे बाद वो गेम खेलेंगे, ठीक है, वो कोई खेल खेलेंगे, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्ड प्ले है, प्लान्ड प्ले, हमने प्लान किया पहले उसके बाद खेला, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर। उसके बाद कंडक्टेड स्टेप बाई स्टेप, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप इसको खेला जाएगा। लेट से कि आपने बहुत बार देखा होगा गलियों में, या बच्चे खेल रहे होते हैं कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा एक डब्बा सा बनाते हैं और एक पत्थर का किप्पू बोलते थे मेरे इस टाइम पे, तो उसको किप्पू, ठीक है, उसको फेंकते थे दूसरी तरफ, फिर यहां से एक इसमें कदम रखा एक इसमें, ऐसे करके, आई होप होगा आप गेम आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप का गेम क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस डब्बे से डायरेक्ट इसमें कूद जाओ, पहले आपको इसमें कूदना पड़ेगा, फिर इसमें, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेके आप आगे चले, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड, इसका कोई प्लान नहीं है, ठीक है, जब मन में आए, जब रैंडम आए तब कुछ खेल लिया, ठीक है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, इसका कोई प्लान नहीं है भाई, कोई रैंडम प्लान बन गया कि लेट से जाओ कोई बोलता है चलो भाई पिट्ठू खेलते हैं, एग्जांपल मैंने पिट्ठू लिखा है इसमें, ठीक है, पिट्ठू खेलते हैं। अब पिट्ठू के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन ये रैंडम है, इसमें मतलब जो बंदा है स्टेप फॉलो नहीं करता, मतलब लेट से कि अगर गली में कोई खेल रहा है या कहीं में भी कोई गेम इस पिट्ठू को खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, वो जो सेवन छोटे छोटे सात पत्थर रखते हैं उनको रखने से पहले बॉल हिट नहीं करनी चाहिए, है ना, तो इसमें क्या है, रैंडम कोई एक दूसरे को मार रहा होता है, अनप्लैंड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनप्लैंड और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद कंडक्टेड विदाउट एनी स्टेप, इसमें कोई स्टेप नहीं होता, ठीक है, बिना कोई स्टेप के एक दूसरे में कहीं पे भी मारे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ओके। तो फ्री प्ले दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर, आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें रिक्वायर्स एडल्ट सुपरविजन। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो फ्री प्ले होता है उसमें हमें सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसके सुपरविजन की, जो कोई बड़ा हो, ठीक है, हमारी फैमिली मेंबर का हो, कोई रिलेटिव हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा बंदा जो हमसे बड़ा हो, बच्चों से बड़ा हो, ठीक है, और उनको सुपरवाइज करो, क्योंकि इस टाइप के गेम में क्या होता है, चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या होगा, स्पेशली किसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के, इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि ये बड़ों की निगरानी में खेले, ठीक है भाई, क्योंकि अगर बड़ों की निगरानी में नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, हादसे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले। अब इसके बाद आपकी फ्री प्ले की यूनिट खत्म हो जाएगी, वो तो कितना ही लंबा दिया हो नहीं पढ़ना भाई, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतना पढ़ लो, मोर देन इनफ, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला एग्जाम का। अब देखते हैं क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले। तो पहली जो एडवांटेज है वो है क्या, एनकरेज क्रिएटिविटी। तो देखो भाई फ्री प्ले है मतलब कोई रूल नहीं है, प्ले है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो जब भी किसी गेम में रूल रेगुलेशन नहीं होते तो सबसे मेन कहानी वहां पे लड़ाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एडवांटेज क्या है इसका, एनकरेज क्रिएटिविटी। एक तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो कोई अपना दिमाग लगा के कुछ भी नई टेक्निक बना सकता है, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, तो ये क्या होगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, एक्चुअली एनकरेज क्रिएटिविटी। दूसरा रिटेन्स इंटरेस्ट, ठीक है, रिटेन्स इंटरेस्ट का मतलब अब इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है, कोई बोर नहीं होता, ठीक है भाई, कोई क्या होगा, बोर नहीं होगा। उसके बाद प्रमोट स्किल्स, ये क्या करता है, किसी बंदे की खूबियों को निभाता है, मतलब और ज्यादा अच्छे से उसकी जो खूबियां बाहर निकल के आती है, ठीक है, तो स्किल्स को प्रमोट करेगा। उसके बाद प्रमोट्स कम्युनिकेशन। अब लेट्स से कोई बंदा एक दूसरे से बात नहीं करता, ठीक है, अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं और एक ही टीम में है तो वो बात करने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि टीम जितानी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, एक्चुअली एक दूसरे को समझने में मदद करता है गेम, कोई भी जो टीम गेम होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को समझने में मदद करता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है एक दूसरे की, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसके, ठीक है, एडवांटेज तो है, अब इसके साथ साथ क्या है भाई, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, अब वो डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक,
ठीक है। अब जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं, तो जो टेक्निक अच्छी हो सकती थी वो टेक्निक खराब भी तो हो सकती है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग टेक्निक भी कोई बंदा अप्लाई करने लग सकता है। ओके, उसके बाद लैक ऑफ असेसमेंट। लैक ऑफ असेसमेंट का मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है मतलब क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन नहीं है तो क्या होगा, जो अपनी मर्जी से कैसी उठपटांग खेलो, है ना, तो क्या होगा, लैक ऑफ असेसमेंट, कोई देख थोड़ी रहा है। उसके बाद प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड, सेम वही बात, प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते आप कैसा खेल रहे हैं, क्योंकि रूल्स तो है ही नहीं, आप कैसा खेल रहे हैं कैसा नहीं खेल रहे उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई नहीं मैं तो बॉल पैर से मारूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो मुक्के से मारूंगा, ठीक है, और उसने क्या किया, बॉल की जगह आपके मुंह पे मुक्का मार दिया, तो इससे क्या होगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएगी। ओके, दैट्स इट, पहले यूनिट खत्म, जो फ्री प्ले वाली यूनिट थी वो हो गई है खत्म, इतना ही था। इससे ज्यादा पढ़ने की भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ोगे तो पढ़ लेना भाई। ओके, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या दूसरी जो यूनिट है, दैट इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये जो नोट्स है इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं इनको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खींच रहा हूं ताकि आप लोगों को भी वीडियो मजा आए। और नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉनिटरिंग मतलब नजर रखना किसी चीज के ऊपर, ओके। उसके बाद इन्वेंटरी, अब ये इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है भाई, इन्वेंटरी का मतलब मैंने यहां पर बता दिया, देखो रेफर्स टू गुड्स मटेरियल स्टॉक्ड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन फ्यूचर और सिस्टमैटिक मैनर। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टॉक मटेरियल्स का, लेट्स से अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स की बात आएगी, तो स्पोर्ट्स के लिए जो जो इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं उनका स्टॉक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एक स्कूल में सिर्फ एक ही स्पोर्ट होता है, ठीक है, एक स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, बैडमिंटन हो गया, तो इन स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई, भाई अगर लेट्स से मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, बैट चाहिए आपको, बॉल चाहिए, स्टंप चाहिए, ठीक है, पैड चाहिए, ग्लव चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इन सारे इक्विपमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इन्वेंटरी, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इन्वेंटरी। तो बेसिकली आप कह सकते हो इन्वेंटरी इज इक्वल टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, और ये इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को क्या करना होता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है, तो वही पूरा टॉपिक है, वही ये यूनिट है कि आप उनको कैसे देखभाल करेंगे और कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे उनको सजा धजा के रखेंगे एक जगह पे, ठीक है। जैसे आप घर में एग्जाम्पल लो, अगर मैं घर का, घर में भी क्या होता है, तुम्हारी मम्मिया, सबकी मम्मिया, ठीक है, सारे के सारे जो घर के इक्विपमेंट्स हैं उनको एक जगह सजा धजा के रखती हैं, ठीक है। घर में क्या होता है, झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, बेड वेड चद्दर वद्दर सब आराम से संगवा उमा के मतलब ठीक करके रख देते हैं, जैसे ही तुम थोड़ी सी इधर करो ले चपा का है पीछे से घुमा के, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, ऐसे ही इन्वेंटरी का मैनेजमेंट है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल होगी, टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं, बैडमिंटन का जो रैकेट होता है, इन सबको संभाल के रखना, ठीक है, और टाइम टू टाइम चेक करते रहना, दैट इज नोन एज मॉनिटरिंग। ओके, मैनेजमेंट मतलब इन सबको ठीक ठाक तरीके से एक जगह पे सजा वजा के रखना। ओके, तो अभी बात करते हैं कि आई होप इन्वेंटरी की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल ऑफ स्टॉक। अब जो स्टॉक जो स्कूल में पड़ा होता है, मतलब जो जो इक्विपमेंट स्कूल में होते हैं उनकी सारी डिटेल होती है इन्वेंटरी के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट होती है, उन सबकी लिस्ट की सारी डिटेल होगी कि भाई हमारे स्कूल में इतनी बास्केटबॉल है, इतने फुटबॉल है, इतने रैकेट है, इतने ये है, इतने वो है, सारी की सारी डिटेल होगी, ठीक है, दैट इज नोन एज इन्वेंटरी। उसके बाद फैक्टर्स नीड टू बी कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब लेट्स से मान लो जो फिजिकल फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, मींस जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक फिजिकल फैसिलिटेटर मतलब ट्रेनिंग ट्रेनर, उस ट्रेनर के लिए जब वो किसी बाहर जाएगा कहीं पे और स्कूल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट का मतलब कि जो भी वो इक्विपमेंट लेके आ रहा है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को भी वो एज के हिसाब से ही देगा। लेट्स से अगर कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कहता है सर मैं क्रिकेट खेलूंगा,
ठीक है। तो ये नहीं है कि जो फैसिलिटेटर उसको लेदर की बॉल दे देगा, वो क्या करेगा, उसको प्लास्टिक की बॉल देगा, उसको रबर की बॉल देगा, ठीक है, ताकि वो आराम से खेल सके। अब ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है यार, 6-7 साल का बच्चा है, उसको एकदम भारी बैट दे दिया कि ले तू जा इससे खेल, वो क्या उसे उठेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से होना चाहिए। पहले आप छोटी चीजों से शुरुआत करो, फिर प्रोफेशनल चीजों पे आओ, ओके। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब जो भी स्पोर्ट इक्विपमेंट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम किसी स्कूल के लिए लेके आएंगे कहीं दुकान से या बाहर से भी, ठीक है, या किसी बच्चे को देना है खेलने के लिए, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जिस चीज वो जो बना है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, क्रिकेट बैट शुड बी मेड अप ऑफ वुड नॉट बाय मेटल। इट मींस जो क्रिकेट बैट होता है वो भैया लकड़ी से ही बना होना चाहिए, ना कि लोहे का बैट पकड़ा दो तुम किसी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को मेजर, मतलब उनको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद जो टेनिस बॉल होती है आपने देखा होगा रबर की बनी होती है, शुड बी मेड अप ऑफ रबर नॉट लेदर। अगर आप लेदर की बनी टेनिस बॉल से खेलने लग जाएंगे तो एक ही बार में उस रैकेट के सारे तारों में छेद हो जाएगा, सारे तार टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करना होगा, जो स्टैंड जो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये था, मैन्युफैक्चरिंग ऑन बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। पहले पॉइंट का मतलब था इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, एज के हिसाब से आपको देना है और खरीदना है वो माल, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पोर्ट टाइप। अब मान लो जो एक्चुअली जो बंदा है, मतलब जो फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो बच्चों को क्या बोलेगा, प्ले अकॉर्डिंग टू देयर स्पोर्ट टाइप, मतलब जिस चीज के लिए ये स्पोर्ट का इक्विपमेंट बना है कृपया इसको उसी चीज के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, वॉलीबॉल शुड नॉट बी प्लेड बाय फुट। वॉलीबॉल किसके लिए बनी होती है, हाथ से खेलने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको पैर से खेलने लग जाते हैं फुटबॉल की तरह, तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी वो वॉलीबॉल, फट जाएगी। उसके बाद बास्केटबॉल शुड नॉट बी प्लेड इंस्टेड ऑफ वॉलीबॉल। लेट्स से अगर मान लो किसी का वॉलीबॉल खेलने का मन है और वो गलती से बास्केटबॉल उठा लाया, ठीक है, तो बास्केटबॉल किसके लिए बनी हुई है, जमीन पे टिप करने के लिए और फिर गोल में डालने के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर उससे आप वॉलीबॉल खेलेंगे तो क्या होगा भाई, या तो ये अंगूठा फ्रैक्चर हो जाएगा या ये अंगूठा फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाथ में लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट जिस भी स्पोर्ट के लिए बना है उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पॉइंट से, ठीक है, आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है एक पॉइंट, यहां से एक क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैसिलिटी बेसिकली, ठीक है। इंडोर स्पोर्ट रिक्वायर्ड लेस रग्ड एरिया, इट मींस जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब कि वो बाहर के एनवायरमेंट को सहन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडोर है भाई। लेकिन जो आउटडोर का जो इक्विपमेंट है, आउटडोर स्पोर्ट इक्विपमेंट आर मेड टू डील विद हार्श एनवायरमेंट, एग्जांपल सनलाइट। अब जो बाहर जो गेम खेलते हैं, आउटडोर जो गेम खेलते हैं, ठीक है, वहां के जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर के एनवायरमेंट के साथ डील कर सके ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब मजबूत कठोर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल क्या होता है भाई, सनलाइट से भी डील कर सकते हैं, कितनी तेज धूप पड़ रही हो लेकिन फिर भी फुटबॉल खेल सकते हो, वो फटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो सनलाइट हो, टेम्परेचर हाई को सहन कर सके, ठीक है, और भले ही वो बर्फ पड़ रही हो बाहर तब भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें उनको देख के बनाया जाता है क्या, ये जो इनडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ प्ले एरिया इज यूज फॉर मल्टीपर्पज। अब ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, जगह कम पड़ जाती है, ठीक है, जगह कम पड़ जाती है तो क्या होता है, स्कूल वाले क्या करते हैं, एक ही ग्राउंड में सारे गेम खिला देते हैं बच्चों को, ठीक है, लेट्स से फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, उसी ग्राउंड में बैडमिंटन चल रहा है, उसी ग्राउंड में खो खो चल रहा है, उसी ग्राउंड में कुछ और गेम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड की कमी है, जगह नहीं है, जगह नहीं है तो क्या होगा, लेट्स से अगर, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्लास के 40 की 40 बच्चे एक ही गेम खेलेंगे, अलग अलग गेम खेलेंगे ना भाई, तो एक ही ग्राउंड में सारे गेम खिलवा देंगे, ठीक है, कैसे खिलवाएंगे उसका रीजन देखो, उसका मतलब तरीका देखो। इफ प्ले एरिया इज यूज फॉर मल्टीपर्पज, अगर जो प्ले एरिया है वो मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, then dismantle mobile type of equipment should be used, मतलब तो let's say अगर मान लो एक ही उसमें
बास्केटबॉल खेलनी है आपको, ठीक है। अगर आपने वो बास्केटबॉल की रिंग परमानेंटली लगा दी तो वो क्या होगा, वही घड़ी रहेगी, दोबारा हिलेगी नहीं, ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, मोबाइल मतलब मूव होने वाली बास्केटबॉल की वो लगानी पड़ेगी। देखो जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बंदा है ये बास्केटबॉल के जो रिंग है उसको खींच के ले जा रहा है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ दिखाई है परमानेंट वाली। तो जब भी अगर कोई मल्टीपर्पज इस्तेमाल होगा तो ऐसी रिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दे। ओके, दिस कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्रुप साइज। ओके, नाउ इट इज द ग्रुप साइज, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है मॉनिटरिंग का, ये मॉनिटरिंग हो रही है सारी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट अभी आएगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करेंगे हम किसकी, इन्वेंटरी की। तो यहां पे क्या होगा, ग्रुप साइज, इफ ग्रुप इज लार्ज, अगर मान लो किसी क्लास का ग्रुप बहुत बड़ा है, लेट्स से किसी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 40 की 40 50 बच्चों को हम क्या करें, एक ही गेम खिलवा दें, ठीक है, जब तक वो माने नहीं बच्चे। पर बच्चे मानते कहां है, उनको तो अलग अलग गेम खेलना है, ठीक है, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। तो यहां पे क्या होगा, अगर ग्रुप ज्यादा है मतलब अगर क्लास का जो साइज है वो बड़ा है, इफ ग्रुप इज लार्ज इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, तो उस क्लास के ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और एन एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉप्स आर प्रोवाइडेड टू, प्रॉप का मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रॉप का मतलब क्या, इक्विपमेंट। एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉप्स आर प्रोवाइडेड टू प्ले, इट मीन्स उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग स्पोर्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग उनको क्या करेंगे हम, कि भाई तुम बास्केटबॉल खेल लो, तुम कुछ लोग बैडमिंटन खेल लो, तुम कुछ टेनिस खेल लो, तुम कुछ फुटबॉल खेल लो, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बजट, अभी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेट्स से स्कूल बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो क्या होगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो, ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड की जाए, तो वो प्राइजेस की टेंशन नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या आएगा, बजट का स्पोर्ट प्रॉप प्राइजेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, अब जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेंगे प्राइस उतना ही हाई होगा चीजों का, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, इट मीन्स जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज्यादा प्राइस किसी चीज का, ठीक है, उस स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट का। वही चीज, वही आपको फुटबॉल 200 रुपए में मिल जाएगी, वही आपको 500 में भी मिलेगी, वही 1000 में भी मिलेगी, वही 50,000 में भी मिलेगी, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की क्वालिटी लेना चाहते हैं। तो ये सारा था मॉनिटरिंग के अंदर, कैसे आप निगरानी रखेंगे, मतलब कैसे एक फैसिलिटेटर किसी चीज के लिए खरीदे, किसी स्कूल के लिए चीजें खरीदेगा, डिमांड करेगा, ठीक है, या कैसे बच्चों को देगा। तो ये तो सारा था क्या, मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट बॉल जो भी है, क्रिकेट बैट, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे आप, इनको कैसे एक जगह पे रखेंगे स्टॉक में, ठीक है, उस टाइप की चीजें अब हम बात करेंगे, दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, हम ले तो आए, ठीक है, बाहर से मंगा तो लिए, बच्चों को भी दे दिए, लेकिन अब क्या करेंगे, इनको मैनेज भी तो करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट आया, स्पोर्ट्स पीरियड गेम्स पीरियड खत्म हुआ, इधर उधर फेंक के चले जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब बात करेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो आप एक बार ये पिक्चर देखो, ठीक है, इस पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, ये जो बॉक्सेस देखो कैसे आराम से बढ़िया तरीके से जमाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और ये जो स्पोर्ट्स के प्रॉप्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बास्केटबॉल फुटबॉल, ठीक है, ये रिंग होला लूप्स एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीजें देखो कितने अच्छे से सजा के रखी हुई है, इसी को बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है। एक ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं इन्हीं सबको आराम से एक जगह पे संभाल के रखना, ठीक है, और इनको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें क्या आती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, नाउ पहला पॉइंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट अगर लिखना है शॉर्ट नोट, तो ये 6 पॉइंट लिख देना, 6 में भी ऊपर के 2 छोड़ सकते हो आप, ठीक है, ऊपर के 2 जो पॉइंट है वो छोड़ सकते हो, नीचे के 3, 4, 5, 6 ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहां पे देखो पहला जो पॉइंट है क्या, लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स यूजेस ह्यूज वेयर हाउसेस। आपने देखा होगा कि जितने भी लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो अपने वेयर हाउस बना के रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन का क्या है, वेयर हाउस मिलेंगे आपको बहुत जगह पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस में से सामान क्या करते हैं, लेके आते हैं और डिलीवर कर देते हैं,
तो ऐसे ही जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, वो रखे होते हैं, और जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान वाला सामान कहां से लाता है, उन वेयर हाउसेस से। ओके, नाउ टू स्टोर गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स रॉ मटेरियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, इन सब का ट्रैक रखने के लिए, इन सबको एक जगह पे ट्रैक रखने के लिए, मतलब इनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है। रोबस्ट मीन मजबूत, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट से अगर कोई मान लो कि कोई वेयर हाउस है, उसके जो वर्कर्स हैं, उसकी जो लेबर है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई सामान इधर उधर बेच दिया ब्लैक में बिना किसी को बताए, तो वो क्या होगा, रोबस्ट नहीं है। इट मींस एक भी सामान इधर से उधर ना जा पाए, इस चीज के लिए वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम रखती है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में एक रिकॉर्ड रहता है, इतनी आई थी, इतनी चली गई, ठीक है। अगर मान लो बीच में कहीं चोरी भी हो गई कोई, तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि इतनी पीस गायब है, ठीक है, तो ये रखने लग गए हैं। अब नेक्स्ट, आफ्टर यूजिंग द स्पोर्ट प्रॉप्स, अब जब मान लो एक स्कूल में एक फैसिलिटेटर होता है, एक ट्रेनर होता है, फिजिकल ट्रेनर होता है, उसका काम क्या है बेसिकली, जब भी कोई स्कूल में बच्चे स्पोर्ट्स को इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ऐसा तो है नहीं एक बैट खरीद के लाए अब ये 100 साल तक बैट चलता ही रहेगा, खराब ही नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, ठीक है, या कोई बॉल लेके आए, बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, और वो अब चलती रहेगी, खराब नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कभी ना कभी तो डैमेज होगी, कभी ना कभी तो खराब होगी वो। ऐसे ही आफ्टर यूजिंग द स्पोर्ट प्रॉप, जब भी कोई स्पोर्ट्स प्रॉप को इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे, दे आर नीड टू बी चेक्ड रेगुलरली, उनको बार बार चेक करना जरूरी है, और ये कौन करेगा, फैसिलिटेटर, ट्रेनर, जो फिजिकल ट्रेनर है वो, ठीक है, नीड टू बी चेक रेगुलरली डैमेज प्रॉप्स रिपेयर्ड और रिप्लेस। तो जो भी प्रॉप जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, अगर वो सुधरने की कंडीशन में है तो उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। अगर वो सुधरने की कंडीशन में नहीं है तो भैया नया लाओ खरीद के, उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, उसको फेंक दो जो डैमेज हो गया है, ताकि बच्चों को चोट ना लगे उससे। ओके, नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स फॉर फैसिलिटेटर। अब स्कूल वाले भी तो हिसाब मांगते हैं कि सर इतनी बॉल आई थी कहां चली गई, ठीक है, क्या पता वो फैसिलिटेटर ही अपने घर जाके अपने दोस्तों के साथ दे दे भाई उनको, लो भाई तुम खेल लो, ठीक है, तो फैसिलिटेटर के पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स, तो इनका ट्रैक होना जरूरी है कि कितने आए थे, कितने खराब हो गए, कितने नहीं, तो ऐसे एक लिस्ट बनती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप बताओ कि कैसे एक फैसिलिटेटर रिकॉर्ड रखेगा, अभी लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटर ऑल्सो प्लान स्पोर्ट एक्टिविटी फॉर द एंटायर ईयर। अब जो ट्रेनर होता है वो सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्लान करता है कि इस स्कूल में ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है इस क्लास से पूरी साल के अंदर, ठीक है, तो ऐसे वो सारी की सारी चीजों को क्या करता है भाई, प्लान करता है, ये ट्रेनर का काम है। उसके बाद रेगुलर ऑडिट करना होना जरूरी है कि जो ट्रेनर होगा बेसिकली, रेगुलर ऑडिट नीड्स टू बी डन फॉर एनी अदर न्यू रिक्वायरमेंट और रिप्लेसमेंट। अगर मान लो कोई नया रिप्लेसमेंट करना है किसी इक्विपमेंट का, कोई चीज खराब हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो उसको रेगुलरली चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, रेगुलर ऑडिट जरूरी है, रेगुलर चेकअप जरूरी है इन सारी चीजों का। ओके, नाउ दैट्स इट द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इतना ही था इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एक तो थी फ्री प्ले और एक थी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यही दो यूनिट सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है, यही दो मैंने खत्म करा दी है। अब हम बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योर वाली जो यूनिट है उसकी, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कर रहा हूं अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो आपकी तीसरी यूनिट है, दो यूनिट हमने खत्म कर दी है, तीसरी यूनिट है उसको भी खत्म कर दें, चौथी यूनिट 5 मिनट की है उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किताबों में भागना मत, कुछ नहीं मिलेगा, ये वीडियोस देख ली है आपका सिलेबस कंप्लीट है। ओके, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जितना भी वो सिलेबस था वो सारा की सारा मैंने एक छोटे से उसमें कन्वर्ट कर दिया, ये 7 पेज टेलीग्राम पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन करो और इनको डाउनलोड कर लो, नोट्स को पढ़ने हैं पढ़ लो, लिखने हैं लिख लो, जो करना है कर लो, लेकिन कर लो। तो अभी कम से कम 15 मिनट पहले
मैंने आपको खेलना सिखाया, फ्री प्ले कैसे करते हैं, उसके बाद फिर मैंने आपको इन्वेंटरी का मैनेजमेंट सिखाया कि इन्वेंटरी को कैसे आप खेल लिए, ठीक है, अब इन्वेंटरी का मैनेजमेंट कर लिया, अब मैं आपको बिजनेसमैन बनाता हूं, ठीक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब जो यूनिट है इससे एक एक नंबर के पांच तीन या चार क्वेश्चन आएंगे एक्चुअली, ठीक है, उसके बारे में है ये भी दो पेज की है, बस कर लो, समझ लो आराम से, बस जो वीडियो है उसको देख लो, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, जो बिजनेस करता है, ठीक है, लेट से अगर कोई अपना कोई काम शुरू कर रहा है, कोई धंधा शुरू कर रहा है, ठीक है, किसी ने किसी चीज का कोई बिजनेस किया है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहां पे इसकी स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगी, ठीक है, एक ना अगर एंटरप्रेन्योर के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग जरूर मिलेगी, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग याद करने की भी जरूरत नहीं अगर ना हो तो। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं, कई लोगों के लिए वर्ड बहुत अजीब सा होगा, कई लोग इससे फैमिलियर होंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब भी कोई बंदा किसी पर्टिकुलर चीज का बिजनेस स्टार्ट करता है, लेट्स से वो किसी का भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में दस लेट्स से कोई बर्तन की फैक्ट्री है, बर्तन बना रहा है, ठीक है, कोई कॉटन की फैक्ट्री है, उससे कोई कपड़े बना रहा है, तो ये क्या है, ये सारी क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसा बंदा, ठीक है, इट इज डिस्क्राइब एज स्टार्टिंग अ बिजनेस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्स हो, जो भी आपके पास कोई प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल करके आप एक क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। वही बंदा कौन होता है, एंटरप्रेन्योर, जो इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके क्या कर दे, प्रोडक्ट बना दे। ओके, नेक्स्ट, ही और शी कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर। अब जो एंटरप्रेन्योर है ये बेसिकली किस पर्पज के लिए काम करता है, देखो एक चीज मैं आपको बता दू, क्लियर कर देता हूं, एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट चलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है, नेचर के अंदर कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा और उसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम बताएं कि अम्ब्रेला, छतरी का एग्जांपल लेता हूं, जब लोग धूप में जाते हैं, ठीक है, तो धूप लगती है, या फिर बारिश में जाते हैं तो बारिश आती है, बारिश सर पे लगती है, तो अम्ब्रेला ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जो छतरी बना रहा है, जो अम्ब्रेला बना रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर, और वो क्या कर रहा है, एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। अब अकेला खुद तो बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, लोगों की मदद लेगा, लोगों की मदद लेगा तो लोग को सैलरी देगा, सैलरी देगा तो क्या होगा, जॉब दे दी उनको। इट मींस जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई भी एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बना के वो उसका प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दूसरी चीज, जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है, खुद तो करेगा नहीं, है ना, अकेले के बस की बात थोड़ी है, टीम चाहिए, टीम के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, दैट इज जॉब प्रोवाइड करेगा। तो एंटरप्रेन्योर के दो मेन जो कारण है, मेन फंक्शन है, वो क्या है, एक तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनवायरमेंट की कोई प्रॉब्लम, दूसरी जॉब प्रोवाइड। ओके, नेक्स्ट इज कंबाइंड फैक्टर इन अ क्रिएटिव मैनर। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है भाई, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव मैनर में वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है भाई। देखो ऐसी बात है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी पहले बहुत अमाउंट में, मतलब पहले भी बह रहा था, आज भी है एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन एक क्षण आता है और उसने क्या किया, इस पानी को बोतल में बंद करके बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो क्या बन गया, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या यहां पे, जैसे ये पानी को बोतल में बंद करके बेचना शुरू किया, तो अकेले तो कुछ किया नहीं, जॉब प्रोवाइड, लोगों का सहारा लिया, आरओ प्लांट लगाया, ये करा वो करा, बहुत सारी चीजें करी, तो जॉब प्रोवाइड किया। उसके बाद पानी तो पहले भी था, लेकिन पहले किसी को आइडिया नहीं आया, लेकिन किसी बंदे ने क्या किया, उस आइडिया को डेवलप किया और क्या किया, वैल्यू बना दी, ठीक है, वैल्यू जनरेट कर दी फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ, और लोगों का भला कर दिया, ठीक है। तो एनवायरमेंट में क्या थी, प्रॉब्लम थी कि भाई लोग जा रहे हैं दूर तक, जहां पे पानी की मान लो अवेलेबिलिटी नहीं है, धूप है, जहां पे तुरंत पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बोतल में पानी बिक रहा है दुकानों में भी, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नाउ अब बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है, सोसाइटी के बारे में। अब सोसाइटी क्या होती है, एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है जहां पे ग्रुप्स होते हैं, एग्रीगेट का मतलब ग्रुप, ठीक है, एन एग्रीगेट ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप लिविंग टूगेदर, एक साथ रह रहे हैं इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप
जो एक साथ रहता है कम्युनिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज सोसाइटी। ठीक है, दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजी। अब जो सोसाइटी होती है उसकी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे वो सोसाइटी काम करती है। ठीक है, लेट से एग्जाम्पल मैं मान लू, तो छोटा एग्जाम्पल मान लू आपकी फैमिली, आप चार लोग या पांच लोग हो एक फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी लेट से एग्जाम्पल के तौर पर इसको सोसाइटी बोल देते हैं। अब आपकी फैमिली की आइडियोलॉजी अलग है, आपकी फैमिली के थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी फैमिली के साथ कंपेयर करूं तो उनके जीने का ढंग अलग है, आपके जीने का ढंग अलग है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज आइडियोलॉजी। तो ऐसे ही हर सोसाइटी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। ओके, नाउ अब सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में रिलेशन क्या है? ठीक है भाई, सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में रिलेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सोसाइटी प्रोवाइड्स मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। अब देखो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है भाई, प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, जैसे एक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है ऐसे एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, बिजनेसमैन है तो प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है, और बिजनेसमैन है तो अपना प्रोडक्ट बना के बेचेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर है, सोसाइटी प्रोवाइड्स मार्केट। अब ये एंटरप्रेन्योर जो है किसको अपना सामान बेचेगा, सोसाइटी को ही तो बेचेगा मार्केट में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी प्रोवाइड्स मार्केट। अब उस मार्केट में कौन होएगा, सोसाइटी वाले लोग को आएंगे खरीदने के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी क्या कर रही है, मार्केट प्रोवाइड कर रही है फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर। तो जो भी एंटरप्रेन्योर ने प्रोडक्ट बनाया है उसको खरीदेगा कौन, सोसाइटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट बना के खुद तो खरीदेगा नहीं, है ना, तो वो किसने बनाया, वो सोसाइटी के लिए बनाया। इसलिए जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब मैंने ई को बार बार ही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी इसलिए मैंने ई लिख दिया। ठीक है, ई आगे डैश, तो समझ जाना एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है। ओके, नाउ पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर के? सबसे पहली बात, प्रमोट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या करता है, इनोवेशन लेके आता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, इनोवेशन है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी, सोसाइटी के अंदर क्या करेगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा। एफिशिएंसी मतलब जो चीजें पहले 10 साल चलने वाली थी वो 15 साल चलेंगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, देखो क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब सिंपल सी बात है भाई, एंटरप्रेन्योर है, अकेला तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, जॉब क्रिएट करेगा और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अगर आपको ये चार पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं तो इन चार के आठ कैसे बनाने हैं वो देखो ध्यान से। प्रमोट्स इनोवेशन, एंड जहां पे लिखा हुआ है ना इस एंड को हटा दो, इसके एफिशिएंसी के बाद दूसरा पॉइंट लगा दो। लेट्स से प्रमोट्स इनोवेशन, प्रमोट्स एफिशिएंसी, दो पॉइंट बन गए एक के। क्रिएट जॉब्स, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, फिर से दो बन गए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, ऐसे ही इसका लक्ष्य इसका नहीं बना। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम, ऐसे करके आप इनके दो दो पॉइंट्स बना सकते हो। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट है सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। भाई अगर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योर किस काम का, है ना? और अगर किसी बंदे की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही तो उसका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो, इंप्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, अपने देश अपना विकास तो कर ही रहा है और साथ साथ क्या करेगा, देश का विकास। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेगा अपनी भी और कंट्री की भी, जीडीपी में। ओके, नेक्स्ट, हाउ सोसाइटी हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर। आप जो सोसाइटी होती है वो कैसे मदद करती है एंटरप्रेन्योर की, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट देखो, क्रिएट्स नीड एंड डिमांड। अब देखो अगर सोसाइटी के अंदर डिमांड नहीं है, अगर सोसाइटी के अंदर नीड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उस एंटरप्रेन्योर का कोई सामान खरीदेगा ही। अगर किसी को किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है तो सामान कौन खरीदेगा, है ना भाई? तो यहां पे क्या हो गया, क्रिएट्स नीड एंड डिमांड। सोसाइटी ही वो है जो एंटरप्रेन्योर के लिए नीड क्रिएट करती है कि हमें इस चीज की जरूरत है, कोई हमारे लिए प्रोडक्ट बनाओ, हमें इस चीज की डिमांड है, कोई हमारे लिए प्रोडक्ट बनाओ। तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के लोग उसको खरीदेंगे। नाउ प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। जो सोसाइटी होती है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, तभी तो उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बनाते हैं वो। ओके, नेक्स्ट, इनेबल्स फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है, तो सोसाइटी क्या करती है, उसकी पैसों से मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, ठीक है, बैंक क्या करता है, एंटरप्रेन्योर की मदद करता है, उसको लोन देता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का मतलब हो गया कि लेट से मान लो मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, घर नहीं है, अगर मेरा छोटा अभी आपका बिजनेस छोटा है,
ठीक है, और आपके पास कोई घर नहीं है उसको चलाने के लिए, या कोई ऐसा छत नहीं है जिसके नीचे आप काम कर सकते हैं, तो कुछ लोग होंगे बोलेंगे यार हमारा वो वाला फ्लैट खाली पड़ा है, हमारा वो वाला घर खाली पड़ा है, तो उसमें जाके काम कर ले, अपना ऑफिस थोड़े दिन के लिए वहां सेटअप कर ले, जब तेरा हो जाए तो कहीं और सेटअप कर लेना, है ना। तो ऐसा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कौन, सोसाइटी। उसके बाद क्रिएट्स अ नीड फॉर एजुकेशन। अब जो अंडर जो सोसाइटी होती है ये ऐसी डिमांड करती है कि हमें भी ये सारी चीज सीखनी है, ठीक है, तो एजुकेशन की जो नीड है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से रिलेटेड है, सोसाइटी है तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स है तो सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इट मींस क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। व्हाट इज सस्टेनेबल सॉल्यूशन? सस्टेनेबल सॉल्यूशन होता है कि जैसे कोई सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे लेकिन सोसाइटी को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये हो गया सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना है उसका। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए, ठीक है, एंड लीड्स टू सोशल चेंज। एग्जांपल क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे किसी सोसाइटी में नौकरी की बहुत ज्यादा कमी है, किसी सोसाइटी में एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, कहीं जगह पे किसी रीजन में एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, कुछ ऐसा फंडा अप्लाई करेंगे कि वहां की एजुकेशन अच्छी हो जाए, ठीक है, वहां की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, जॉब प्रोवाइड कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, हेल्थ के लिए कोई अच्छा काम कर देंगे तो हेल्थ वहां की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन में कुछ ऐसा अच्छा काम कर देंगे तो वहां की एजुकेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो एग्रीकल्चर में यूज हो वही होता है क्या, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जांपल यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर। ओके, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस वुमेन ऑर्गेनाइज। इन दिस प्रोसेस जो वुमेन होती है वही एंटरप्रेन्योर होती है, इट मींस वुमेन एक बिजनेस वुमेन है, ठीक है, और वही पूरा बिजनेस चला रही है और लोगों को जॉब दे रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोसेस वुमेन ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं सबके सब कौन, किसका दिमाग चलेगा उसमें, लेडी का, वुमेन का, ठीक है। तो वो क्या होगा, वही रिस्क लेगी, वही क्या करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी और दूसरे दूसरे लोगों को। दिस इज नोन एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना है, ठीक है, नाम नहीं देखो, वुमेन आया तो वुमेन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सोसाइटी सोशल आया तो सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं है, सब आसान है। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस, इट मींस स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ये सबसे जो शुरुआत, बिल्कुल जब बिजनेस एकदम जड़ से शुरू होने वाला होता है वो वाला फेज है क्या, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम बैकबोन ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ द कंट्री। क्या बोलते हैं इसको, बैकबोन ऑफ द कंट्री, इसके नाम से भी ये फेमस होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, दैट इज द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है भाई। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्या, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लेट्स से अगर कोई बंदा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, हार्डवर्किंग होना चाहिए, उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, हार नहीं माने, उसके बाद इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड ना हो, अपने डिसीजन खुद ले, उसके बाद एनर्जेटिक, हमेशा एंथुसियास्टिक रहे हमेशा, ठीक है, एनर्जेटिक रहे और कभी भी मोरल उसका डाउन ना हो, अगर मान लो उसका बिजनेस फेल भी हो रहा है तब भी वो एनर्जेटिक रहे, हाँ कि भाई हाँ मैं टीम को संभालूंगा। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए बंदे में कि यार हम कर लेंगे, ठीक है, हमारा बिजनेस शुरू में चाहे कैसा भी चले, भाई ठप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम हाई रहेगा और बाद में हम सक्सेस पा लेंगे। उसके बाद परसिवरेंट मींस बंदा हार ना माने, ठीक है, इट मींस अगर मान लो शुरू में बिजनेस अच्छा नहीं चला तो लेट से कोई दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, ये नहीं चला तो कुछ और कर लेते हैं, तो क्विट कर देगा, ऐसे में हार मान लेगा, ठीक है, तो परसिवरेंट लगे रहना चाहिए बंदा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स,
उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम करता है उसके बारे में। रिस्क टेकर, सबसे पहली बात वो रिस्क लेता है, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, उसने रिस्क तो लिया। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरों लोगों में डेवलप करता है वो क्या, लीडरशिप। तो उसका फंक्शन क्या है, एक तो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना, उसके बाद सुपरविजन, ठीक है, ये उसका फंक्शन है, काम करता है, निगरानी रखता है लोगों पे, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है उसको सुपरवाइज करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, ठीक है, उसको मार्केटिंग के तरीके आने चाहिए, क्योंकि सामान बनाया है तो भाई बेचना भी तो है, तो मार्केटिंग के फंडे पता होना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखिएगा, लेट्स से अगर मान लो सैलरी भी कम दे रहा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी टीम का मोराल डाउन हो रहा है, तो टीम को मोटिवेट करके रखिएगा। उसके बाद प्लानिंग, उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, प्लानर अच्छा होना चाहिए, उसके पास प्लान अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब प्लान तो बना लिया, उसके बाद एक्शन भी होना चाहिए और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है, ये उसका फंक्शन है। उसके बाद मार्केटिंग, दो बार लिख लिया, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब सोसाइटी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, उसका प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए वो, ओके। नेक्स्ट, रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके क्या क्या रोल होते हैं सोसाइटी के अंदर, क्या क्या वो अपने काम करता है। पहली बात कोऑर्डिनेटिंग रोल, वही चीज है, उसको बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिखता है। एजेंट्स रोल, एजेंट्स रोल का मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसका दूसरा नाम क्या होता है, एजेंट ऑफ एक्सचेंज, ऑफ एजेंट ऑफ एक्सचेंज, एजेंट ऑफ एक्सचेंज। एंटरप्रेन्योर को यह भी बोला जाता है एजेंट ऑफ एक्सचेंज, मतलब सोसाइटी के अंदर जो आइडियाज होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्यूशन के साथ एक्सचेंज कर देता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, एजेंट ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद बैलेंसिंग रोल, मतलब सोसाइटी के अंदर बैलेंस बना के रखना, ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और प्रोडक्ट हमेशा चलता रहे, इसीलिए क्या करना, बैलेंसिंग बना के रखना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल, सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बनाते रहना, ठीक है, जॉब प्रोवाइड करवाते रहना लोगों को ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, ठीक है। तो दीज आर द रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, नाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड दीज आर द क्वालिटीज, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मतलब एनवायरमेंट के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जरूरी क्यों है, क्योंकि क्रिएट न्यू मार्केट्स, ठीक है। अगर मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है कहीं दूसरी जगह फैक्ट्री लगा ले तो अपनी आसपास की जगह पे क्या करेगा, मार्केट बना लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नए मार्केट क्रिएट कर देता है। उसके बाद इंक्रीज वैल्यू ऑफ मार्केट, अगर मान लो कोई मार्केट पिट रहा है, ठीक है, किसी मार्केट में सामान नहीं है तो उसमें अपना प्रोडक्ट लाके उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, मतलब जो एफिशिएंसी है मार्केट की उसको इंप्रूव करना, ओके। उसके बाद इकोनॉमी बूस्टर, जीडीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर्स का। हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, वो 60-70% एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही होती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन है यही लोग क्या करते हैं, मार्केट को बूस्ट करके रखते हैं, ओके। नेक्स्ट, मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, इनके बारे में क्या क्या गलत धारणाएं हैं उसके बारे में लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं, यूनिट भी खत्म। पहला, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास बढ़िया आइडिया हो, कुछ ऐसे खच्चर भी होते हैं जिनका मार्केट फ्लॉप हो जाता है, जिनकी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, ऐसा जरूरी नहीं है पैदा होते ही कि भाई हाँ ये बनेगा एंटरप्रेन्योर, जैसे थ्री इडियट्स में नहीं था वो वायरस बोलता है कि ये इंजीनियर बनेगा, है ना, और वो कहता है क्या, उसका बेटा, वायरस का बेटा तो मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है, वो कहता है इंजीनियर बनेगा, नहीं वो कहता है मुझे फुटबॉलर बनना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर नहीं बनते भाई, एनवायरमेंट में आके सीखते हैं, अपनी जो माइंड है उसको शार्प करते हैं, अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, तब जाके एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। उसके बाद बिजनेस आइदर फ्लॉरिश और फेल, ठीक है, ये गलत धारणा है कि या तो बिजनेस फेल हो जाएगा या फ्लॉरिश हो जाएगा, मतलब या तो बढ़िया चलेगा या घटिया चलेगा, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिमांड, डिपेंड्स ऑन योर प्राइस, उसके हिसाब से बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं है, ओके। उसके बाद द ओनली रिक्वायरमेंट इज गुड आइडिया, ऐसा नहीं है,
लोग सोचते हैं कि आपके पास आइडिया होना चाहिए तो आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आइडिया के साथ बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब इस इंडिया में न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है। पैसे नहीं है तो क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो आइडिया धरा की धरा रह जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास गुड आइडिया हो, अच्छा आइडिया हो, तो आप एक बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, स्किल्स होनी चाहिए, और भी स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो अभी मैंने बताई, क्वालिटीज, उसके फंक्शंस, वो सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो उन, अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है इस यूनिट से कि व्हाई एंटरप्रेन्योर फॉर यू, क्या आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? यस, आप बन सकते हैं भाई, ठीक है। क्यों बनना चाहते हो या क्यों बन सकते हो? अगर ऊपर की जो क्वालिटीज अभी मैंने आपको बताई थी वो आपके अंदर है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कि व्हाई एंटरप्रेन्योर्स फॉर यू, तो जितने भी अभी वो पहले के हमने लिखे हैं क्वालिटीज, इंपॉर्टेंस, वो सारी की सारी चीजें छाप देना और लिख देना कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है और हम क्या है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, प्लानिंग एबिलिटी है मेरे पास, ठीक है, मोटिवेशन हमेशा रहता है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, कंक्लूजन में आप लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर बना देंगे हम, ओके। तो यहाँ पे ये यूनिट भी होती है खत्म। तो आपने खेलना सीख लिया, ठीक है, जो खेलकूद के इक्विपमेंट थे उनको मैनेज करना सीख लिया, उसके बाद बिजनेसमैन बन गए, बिजनेस वुमेन बन गई, ठीक है, जो भी लड़कियां इसको देख रही है। एंड अब बात करेंगे क्या, अब जो एंटरप्रेन्योर बन के जो आप इन्वायरमेंट में कचरा फैलाओगे ना उसको भी तो साफ करना है भाई, ठीक है। तो अब जो यूनिट आएगी वो आएगी क्या, ग्रीन स्किल्स के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको और खत्म कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट। नाउ इट इज द लास्ट यूनिट, दैट इज द ग्रीन स्किल्स 2, ठीक है। पार्ट 1 था वो 9th में था, नाउ दिस इज द 10th का सिलेबस, ग्रीन स्किल्स 2, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट है, 5 मिनट की और बची है, बस 5 मिनट और झेल दो, उसके बाद खत्म। देखो इधर, अकॉर्डिंग टू कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी, जो कॉलिंस की जो इंग्लिश डिक्शनरी है, अब तुम्हें कॉलिन कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, तुम्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फंडा इज कॉलिन कौन है नहीं पता भाई, नहीं चाहिए हमें। कोई बंदा है, उसने अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी है, बस इतना पता है, रखना है, ठीक है, बाकी भाड़ में जाए वो। नाउ इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर नेचुरल सराउंडिंग इन विच वी लिव और एग्जिस्ट। इन्वायरमेंट एक ऐसा एरिया है, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल सराउंडिंग है जहां पे हम रहते हैं और या हम एग्जिस्ट करते हैं। ये किसने बोला, कॉलिन की इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ओके। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, देखो जो भी काम हो रहा है ना शुरू से और अभी तक, वो सारा सोसाइटी के साथ हो रहा है। अगर जैसे एंटरप्रेन्योर बने सोसाइटी के साथ, ठीक है, तुमने खेलकूद करी सोसाइटी के साथ, उसके बाद इन्वेंट्री करी सोसाइटी में, नाउ अब क्या कर रहे हैं, ग्रीन स्किल्स करेंगे तो सोसाइटी में, तो सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल है। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इसके बारे में क्या रिलेशनशिप है? आपने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा होगा, इक्वल एक्शन हैज इक्वल एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक हाथ से अगर थप्पड़ मारोगे तो वो जिस गाल पे टिका वो गाल भी तुम्हें उसी फोर्स से वापस पुश करेगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भैया जैसा तुम इन्वायरमेंट के साथ बिहेव करोगे इन्वायरमेंट भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। कैसे करेगा, देखो इधर, If people will take care of environment, अगर लोग environment का ख्याल रखेंगे तो environment उनका ख्याल रखेगा, ठीक है। कैसे रखेगा भाई, देखो plant trees, आप पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओगे तो आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगी तो ठीक है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप पढ़ाओगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, हमने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई, तो क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो स्किन कैंसर, स्किन डिसऑर्डर वाली बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। एफोरेस्टेशन, पेड़ उखाड़ोगे तो फ्लड आ जाएंगी, बाढ़ आ जाएंगी भाई, तो जैसा आपने कर्म करा वैसा ही आपको फल मिला, ठीक है। तो यही क्या है, न्यूटन का तीसरा लॉ एनवायरमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे इस यूनिट में, एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपने पहले भी किया हुआ है तो एक बार क्विक रिकैप है, थोड़ा सा डाल लो, बस 2 मिनट और बचे हैं, साइड बेसिकली, ठीक है। नाउ इकोसिस्टम एंड फैक्टर्स कॉजिंग इंबैलेंस, इकोसिस्टम में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंबैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहला डिफॉरेस्टेशन, अगर हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन या फिर
पेड़ों को काटना, ठीक है। अगर एनवायरमेंट के अंदर हम लगातार पेड़ काटते जाएंगे तो क्या होगा भाई, पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन नहीं करना है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन, ठीक है, जमीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना और मिट्टी का इरोजन, मतलब मिट्टी बह के चली जाना, ठीक है, मिट्टी का इरोड हो जाना, मिट्टी नहीं बचना, तो ये क्या हो जाएगा, हम वो हमारी वजह से होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर रिसोर्स प्रेजेंट है, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर रिसोर्स है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है, तो उसके लिए लालच नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अगर रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, ओवर बिना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा भाई, इम्बैलेंस हो जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा बन गई, एंटरप्रेन्योर तो बन गए, एंटरप्रेन्योर बन के क्या करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगा के क्या करोगे, पॉल्यूशन फैलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल एंड एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, इसको कम करना है, ठीक है, ऐसा तो मुमकिन है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन कम करना है, काफी हद तक रिड्यूस करना है। उसके बाद फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस, जबरदस्ती माइनिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, गलत जगह पे माइन खड्डे नहीं खोद रहे हैं भाई, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी के खड्डे खोद देगा एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस, इसको बंद करना है, ओके। तो ये जो चार चीजें, पांच चीजें जो मैंने बताई, इनकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस सोसाइटी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्या होगा, When natural or man-made disturbance disrupt the natural balance of the ecosystem, ecosystem balance है, लेकिन इंसान क्या करता है, उसमें उंगली करता रहता है, ठीक है, ये नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये नहीं मुझे ये भी चाहिए, तो एक दिन से क्या होता है, environment फिर उसकी ऐसी तैसी कर देता है, ओके। Now अब इन सब चीजों को बचाने का, मतलब environment को conserve करने का, ये सारी चीजें आपने geography में पढ़ी होगी resources वाले chapter में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अब इनको कंजर्व बचाएंगे कैसे, सबसे पहली बात एयर कंजर्वेशन, आप हवा को प्योर रखो, हवा को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम पॉल्यूशन के डालना है। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, पानी को गंदा नहीं करना है भाई, पानी गंदा करोगे तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगी, आपको तो होगी होगी, उसके बाद जो भी मछली वछली उसमें मगरमच्छ वगैरह जो रह रहे होंगे बेचारे वो भी मर जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे चलते हुए। उसके बाद लैंड कंजर्वेशन, जमीन का सही इस्तेमाल करना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चीजें कम यूज करनी है, शिफ्टिंग होगी तो एक फिर एक पीरियड के लिए वो लैंड क्या रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी, तो लैंड के ऊपर बार बार इस्तेमाल करते रहना है आपको। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, फोर आर्स, फोर आर कौन कौन से हैं, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस और रिफ्यूज, ठीक है, ये चार आर का सिस्टम है जो गवर्नमेंट वर्ल्ड उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। तो क्या हो गया, चार फोर आर कौन कौन से हैं, किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकल करो, रीयूज करो, रिड्यूस करो और रिफ्यूज करो, ठीक है। एक और नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है अपसाइकल, ठीक है, अब ये अपसाइकल क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि नई चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसाइकल, ओल्ड मटेरियल, जो पुराना मटेरियल है आपको आपका, उसको मॉडिफाई करके नया बना दिया जाएगा, दिस इज नोन एज अपसाइकल, ठीक है, मतलब इस्तेमाल तो वही पुराना वाला करना है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या करेंगे, उसको अपसाइकल कर देंगे। अब ये जो तीन पॉइंट याद है, इसका एक चौथा पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन, आपको एनर्जी बचानी है, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी का कंजर्व करना है। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते थे, मैं बताना भूल गया, वाटर कंजर्वेशन, एक तो आप पानी का कम इस्तेमाल करें, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, तो ऐसे करके इनकी सब हेडिंग, इनको टॉपिक बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन इकोनॉमी, अब ये ग्रीन इकोनॉमी क्या है, अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ग्रीन होगी, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ में आई बात, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है अपने को, मींस एनवायरमेंट को बिना कोई हार्म पहुंचाए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, डेवलपमेंट तो करनी है इंसान को लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो सारी की सारी हमारी जो यूनिट है वो खत्म हो गई है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से इनको नोट्स अगर बनाए हो तो कर लेना, नहीं बनाए हो तो एक बार
टेलीग्राम चैनल से मेरे से डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट से बता देना कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। ओके, दिस वाज नॉट अ ब्लॉग, ओके, चलो भाई। सो टेक केयर, बाय बाय, कल के लिए आराम से मस्त, कोई प्रेशराइजिंग, सारा आपने पढ़ लिया है, इसी में से आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर आ भी जाए घुमा फिरा के तो अपना दिमाग लगाना और जो भी चीज पढ़ी है उनको लिख देना, ठीक है भाई। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एकदम आराम से मस्त, टेंशन फ्री, बिल्कुल एग्जाम देना, इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। चलते बढ़ते, ऑल द बेस्ट।